कंप्यूटर क्लियर, डन, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, चलिए डन। चलिए भाई, तो अग्नि और वायु के आघात से कुंडलिनी जागती है, आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा कि अग्नि तत्व और वायु के जब आघात होता है कुंडलिनी शक्ति जागती है। अब यहाँ पे कामाख्या पीठ और कामरूप पीठ की बात करी गई है, तो ये हम सीधे सिद्धांत पद्धति में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कामाख्या पीठ जो होता है ये मूलाधार में होता है, और कामरूप पीठ जो होता है मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच में होता है, दोनों एक ही साथ है। कामाख्या पीठ एकदम मूलाधार में होता है, चतुर्दल कमल के गुदा के मध्य में त्रिकोणाकार योनि है, वहीं पे कामाख्या पीठ है। मतलब ये आपका है चतुर्दल कमल, इसके अंदर जो है त्रिकोणाकार आपकी योनि है, और इसी के अंदर जो है आपका कामाख्या पीठ है। और कामरूप पीठ कहाँ है? मूलाधार और स्वाधिष्ठान के मध्य में जो योनि है वहीं पे कामरूप पीठ है। तो कामाख्या पीठ और कामरूप पीठ ये दो आपका स्थान ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। ये आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे 10 नाड़ियों की चर्चा करता है, ये 10 नाड़ी आप याद कर लो, क्योंकि जितना सिस्टमेटिकली नाड़ियों की बात जो है गोरक्ष संहिता में की गई है, इतना सिस्टमेटिकली कहीं नहीं किया गया। यहाँ पे क्या किया गया, 10 नाड़ियों की बात करते हुए कहता है सबसे पहले कंद की बात करता है। कंद ऐसा आपका ऐसा एक ऑब्जेक्ट है बॉडी के अंदर जिससे सभी नाड़ियां निकलती है, तो कहता है कंद यहाँ पे कहाँ है? नॉर्मली कंद को हम मानते हैं कि नाभि के पास है, ठीक है ना, नाभि के पास कंद को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कंद कहाँ है भाई? मेढ्र से ऊपर, यानी कि लिंग से ऊपर और नाभि से नीचे, मतलब बिल्कुल सेम स्पेस है, नाभि के इर्द गिर्द ही है। सभी नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान पक्षी के अंडे के जैसी आकृति का है, तो ये कंद जो है बेसिकली पक्षी की आकृति के जैसा होता है। इसमें 72,000 नाड़ियां निकलती है, तो कंद से कितनी नाड़ी निकलती है? 72,000 नाड़ी निकलती है। तो आपका गोरख संहिता में कितने नाड़ियों की चर्चा की गई है? 72,000 की। शिव संहिता की अगर आप बात करेंगे तो इसमें कितनी नाड़ी की चर्चा की गई है? 3,50,000 नाड़ियों की चर्चा की गई है, ठीक है जी। अगर आप बात करोगे हट प्रदीपिका में कितने नाड़ियों की चर्चा की गई है, तो वहां पे भी 72,000 की चर्चा की गई है। अगर आप बात करोगे घेरण संहिता के, तो वहां पे कितना? 72,000। तो सब जगह 72,000 है, खाली शिव संहिता में जो है 3,50,000 नाड़ियों की चर्चा करी गई है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो इसमें से जो है आपका 72,000 नाड़ी में से 10 नाड़ी प्रमुख है। इन 10 नाड़ियों को याद कर लो, बहुत जरूरी है इसको याद करना, क्लियर है, इसको आपको याद कर लेना है। तो दो दो करके याद करिएगा आप लोग, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे? तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आपको याद होगा, ठीक है ना, सबको ईड़ा पिंगला सुषुम्ना याद है। ईड़ा जो होता है आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल में, बाई ओर चंद्रस्वर सर होता है, पिंगला रसूर्य होता है, और सुषुम्ना आपकी अग्नि होता है। चंद्रमा कहा गया है ईड़ा को, सूर्य कहा गया है आपका पिंगला को, और अग्नि कहा गया है सुषुम्ना को, दोनों के बीच में होता है। अब गांधारी एंड हस्त जीवा, लेफ्ट एंड राइट आई, तो बोलेंगे गांधारी एंड हस्त जीवा। गांधारी मतलब आंख में होगा, क्योंकि गांधारी ने अपनी आंख में पट्टी बांधा था, और हस्त जिह्वा तो ये जो है आपका बाएं नेत्र और दाएं नेत्र में, फिर पूसा और यशस्विनी है, पूसा और यशस्विनी तो दाया कान और बाया कान, यानी कि राइट ईयर एंड लेफ्ट ईयर, पूसा यानी यशस्विनी कान में है, ठीक है ना। कान से ही तो हम सुनते हैं ना कि यशस्वी भव, तो यशस्विनी कहाँ है? कान में है। फिर अलंबुसा आपके मुख में है, कुहू जो है आपके लिंग में है, और शंखिनी आपके गुदा में, तो कुहू लिंग में और शंखिनी गुदा स्थान में, अलंबुसा मुख में, बाकी ये पूसा यशस्विनी कान में, गांधारी हस्त जीवा आंख में, और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो इसको आप लोग याद कर दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कई बार बना भी है, तो ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाड़ीज आर इंक्लूडेड इन द टॉप 10 नाड़ी, इंपॉर्टेंट 10 नाड़ी जो ऑफ द गोरख संहिता, तो आप में चार ऑप्शन दे देगा, आपको सिलेक्ट करने को बोलेगा, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं, तो ये आपके जो है 10 नाड़ियों की चर्चा कर दी गई। अब 10 प्राण की बात करते हैं, तो प्राण की बात हम सब जानते हैं कि प्राण अपान समान उदान और व्यान। प्राण हृदय मंडल में होगा, अपान गुदा मंडल में होगा, समान नाभि में, उदान कंठ में, और व्यान समस्त शरीर में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, शिव संहिता में हमने पढ़ा, घेरण संहिता में हमने पढ़ा, ठीक है ना जी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राण हम लोग पढ़ते आ रहे, इवन जो है वशिष्ठ संहिता में भी हमने प्राण को पढ़ा, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 5 महाप्राणों के स्थान में हृदय, प्राण, अपान गुदा मंडले,
नाभि समाना उदान कंठा एंड समस्त शरीर व्यान हो गया। फिर हम बात करते हैं उपवायु की, तो आपका नाग है, कूर्म है, क्रिकल है, द्वैत धनंजय है। नाग डकार लेगा, बिल्कुल सही बात है, शिव संहिता में यही था। कूर्म उन्मिलन करेगा मतलब पलक झपकाना, ये भी ठीक है। क्रिकल से छींक है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे छींक कहा है, वहां पे जो था आपका वशिष्ठ संहिता में वो यहाँ से भूख प्यास कहा था, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये छींक की बात करता है। देवदत्त की अगर बात करेंगे तो देवदत्त क्या करेगा, जम्हाई लेगा, ठीक है ना, देवदत्त क्या लेगा, जम्हाई। और धनंजय की बात करेंगे तो सभी अंगों में व्याप्त है, धनंजय कहाँ है भाई आपके, सभी अंगों में व्याप्त है, 4 घड़ी तक यह मृत शरीर में रहता है। कहाँ रहता है भाई, ये मृत शरीर में रहता है 4 घड़ी तक, मतलब 1 घड़ी में 24 मिनट, तो 96 मिनट तक जो है मरने के बाद यह शरीर में रहता है। और सभी अंगों में जब रहता है जिंदा, तो सभी अंगों का ये पोषण करता है, सभी अंगों में व्याप्त धनंजय है। तो जम्हाई तो ठीक था, यहाँ पे हिचकी था, लेकिन यहाँ पे कर दिया सभी अंगों में मृत्यु पर्यंत, यानी कि मृत्यु के बाद तक जो है ये रहता है अवेलेबल, ठीक है भाई। तो 10 प्राणों के बारे में सबको समझ में आ गया, खाली आपको तो क्रिकल कूर्म का और क्या बताएं? कूर्म का उन्मीलन, उन्मीलन मतलब होता है पलक झपकना, ठीक है ना, जो आपके आईलिड्स होते हैं ना वो आपके ब्लिंक करते रहते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक है ना, पलक झपकना, ठीक है जी, पलक झपकाना, ठीक है, तो ये होता है। क्लियर है, 10 प्राण का नाम और उसका काम स्थान सारा कुछ क्लियर है, खाली क्रिकल जी और धनंजय का चेंज हुआ है, बाकी का कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बोलता है कि इतना बताने के बाद कहते हैं कि प्राणापान की साधना भी करनी है, तो क्यों करना है प्राणापान की साधना, तो मन की चंचलता को रोकने के लिए हमें प्राणापान का जितना आवश्यक है उतना साधना करना चाहिए, ठीक है। तो मन की चंचलता को रोकने के लिए प्राणापान को जीतना आवश्यक है, मतलब अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट कि आपका माइंड कंट्रोल में रहे, तो प्राण और अपान को आपको क्या करना पड़ेगा, जीतने पड़ेगा, मतलब आपको प्राणापान की साधना करनी पड़ेगी। चित्त ही संसार है, इसलिए प्रश्न प्रयत्न पूर्वक सूत्र, जो भी आपके, देखिए आपका संसार क्या है, चित्त है, चित्त में क्या है आपके, सारे के सारे संस्कार आपके स्टोर्ड है, तो सपोज करो कि सारे के सारे संस्कार को आपने डिलीट कर दिया, तो आपका चित्त में कुछ बचे ही कहीं नहीं, चित्त बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाट, जो भी आपका संसार है वो एक्चुअल में क्या है भाई, चित्त ही आपका संसार है, और कुछ आपका संसार नहीं है, ठीक है ना, तो इसीलिए हमको चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो जितना जल्दी आप चित्त को शुद्ध कीजिएगा, जैसा आपका चित्त होगा वैसे ही आपकी गति होगी। अगर चित्त में बहुत सारे कुसंस्कार पड़े हुए हैं तो आपका मन जो होगा वह भी कुसंस्कारित होगा, आप किसी खराब इसमें जन्म लेंगे, लेकिन अगर आपका चित्त बहुत साफ है तो आप अच्छे महापुरुष के रूप में जन्म लीजिएगा। तो ये सनातन सिद्धांत है, प्राण को आप, प्राण अपान को अपनी ओर खींचता है, अपान प्राण को अपनी ओर खींचता है, योग वेता इन दोनों का संयोजन करते हैं, मतलब प्राण जो है वो अपान को अपनी तरफ खींचता है ऊपर की तरफ, और अपान जो है प्राण को नीचे की तरफ खींचता है, और जब दोनों खींचते हैं तो नाभि के साइड में कहीं पे जाके मिल जाते हैं, इसी को हम योग कहते हैं, ठीक है ना। तो योगवेद क्या करते हैं, प्राण और अपान दोनों को मिलाते हैं। अपान को समझना है तो अपान वह ताकत है जो हमें नीचे गिराता है, प्राण हमारा वह ताकत है जो हमें ऊपर की ओर ले जाता है, तो ना हमें नीचे जाना है ना ऊपर जाना है, हमें बैलेंस होना है, तो प्राण और अपान को संयोजन करना मतलब मिलाना है, ठीक है। फिर हंस मंत्र की बात करते हैं, अजपा गायत्री मंत्र की जाप करते हैं, कहते हैं कि हमारा शरीर जो है जब हम सांस भरते हैं तो सकार की ध्वनि आता है, ठीक है ना, स, ठीक है ना, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम का साउंड होता है, तो सो हम, ठीक है ना, सो हम, तो इसी को हंस मंत्र कहते हैं, जो आपका सांस का आते जाते हैं, सांसों का जो आवाज है उसी को हम सोहम कहते हैं, हंस मंत्र कहते हैं। और आपका शरीर जो है 1 दिन में 21,600 बार जो है हंस मंत्र का जाप करता है, इसी को हम अजपा गायत्री कहते हैं, इसमें कि आपका जो चैंटिंग होता है वो बाय डिफॉल्ट चलता रहता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो श्वासों के साथ ही आपका चैंटिंग चलते रहता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपका माइंड नियंत्रित, तो इसको हम गायत्री अजपा कहते हैं, जिसे जानता है वो पूरे वेदों को जानता है, लेकिन जो अजपा गायत्री जान रहा है वो पूरे वेदों को जान रहा है, इसके जान लेने पर मृत्यु का उल्लंघन किया जा सकता है, मतलब अगर आपने अजपा जप को जान लिया
तो आप मृत्यु को भी पार कर सकते हैं, मृत्यु से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है भाई? तो अजपा गायत्री यज्ञ के बारे में बताया गया है। अब हम मुद्राओं की बात करते हैं, तो शक्ति चालन की बात करते हैं। शक्ति चालन में मुख्य रूप से हम जानते हैं कि शक्ति में कुंडलिनी, चालन में चलाना। तो कहता है कि जिस मार्ग से चलते हुए पाप रहित ब्रह्म द्वार को प्राप्ति होती है, उसी के द्वारा आच्छादित करते हुए कुंडलिनी शक्ति सोती रहती है। ठीक है जी? तो कहता है कि जिस मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होगा, तो बेसिकली यहाँ पे ब्रह्म नारी की बात कर रहा है, इसी को ढक करके कुंडलिनी सो रही है। वह बुद्धि के संयोग से जागृत होकर मन और प्राण के साथ सुई के समान सुषुम्ना द्वारा प्रविष्ट होकर के ऊपर उठ जाती है। ठीक है ना? तो आपका जैसे ही बुद्धि के संयोग से जागृत होती है, तो आपका यहाँ पे काया की जो कुंडलिनी है किसके संयोग से जगेगी, तो बुद्धि के संयोग से जाग करके फिर ऊपर की ओर चढ़ती है। जिसका चित्त वायु के सहित सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, उसके लिए पंच तत्व या पंच महाभूत रूपी देवताओं को पांच प्रकार की धारणा हो जाती है। तो जिसका प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवेश कर गया, उसकी धारणा अपने आप सिद्ध हो गई, उसको धारणा करने की जरूरत नहीं है, उसकी पंच धारणा अपने आप सिद्ध हो जाती है क्योंकि उसका जो है प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर गया। ये बेनिफिट बताया गया। तो पूछा गया जाएगा आपसे कि बताइए किसकी धारणा जो है अपने आप सिद्ध हो जाती है, तो जो अपने प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करा देता है। ठीक है जी? जिस प्रकार चाबी से ताला खुलता है, वैसे ही कुंडली जागरण से योगी का मोक्ष का द्वार खुलता है। तो योगी का जो मोक्ष का द्वार है वो किससे खुलेगा? कुंडलिनी के जागरण से। जैसे चाबी से ताला खुलता है, वैसे जब तक कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में रखकर सोती है, जब तक कोई भी मंत्र यंत्र पूजा आदि सफल नहीं होता, उनके पुण्यों के संचय होने पर उनके प्रभाव से जब देवी जागृत होती है, तब उसके प्रसाद से मंत्र यंत्र पूजन आदि प्रभावकारी होते हैं। मतलब जब तक आपका कुंडलिनी शक्ति नहीं जागा है, तब तक आप कोई भी काम करते रहिए, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और जैसे ही कुंडलिनी जागती है, वैसे ही आपके मंत्र यंत्र तंत्र पूजन सब कुछ काम करने लगता है। ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है कि कैसे करना है शक्ति चालन। तो आपका नॉर्मल ही बताया, जैसा आपका हट प्रदीपिका में बताया है, दोनों हाथों का अंजलि बांधकर दोनों केहुनियों को दृढ़ता से हृदय पर रख कर पद्मासन करें। ठीक है? तो अंजलि बांध करके आपको क्या करना है, दोनों केहुनियों को दृढ़ता से हृदय पर रखकर, केहुनियों को हृदय पर रख ले और पद्मासन करिए, थोड़ी को हृदय में लगा करके ज्योति रूप ब्रह्म का ध्यान करें और प्राणायाम द्वारा वायु को खींचकर अपान से मिलावे, कुंभक करके वायु को रोककर धीरे धीरे छोड़ देवे। मतलब पहले आप क्या कीजिए, अपने दोनों केहुनियों को चेस्ट पे लगाइए, अंजलि बना करके पद्मासन लगाइए और आपको प्राण को खींचना है, होल्ड करना है, छोड़ देना है। इसी को शक्ति चालन कहते हैं। तो यहाँ पे शक्ति चालन मुख्य रूप से जो है आपका, जो बताया गया है आपका भस्त्रिका का अभ्यास, वही यहाँ पे भी बताया गया आपका। ठीक है? जो आपका हठ प्रदीपिका में बताया गया था। ठीक है? अब योगी की चर्या के बारे में बताया कि योगी का आचरण कैसा होना चाहिए। तो कहता है कि लवण और अम्ल रस से युक्त भोजन न करे, पर दूध पीकर ही रहे। तो योगी क्या करेगा भाई, न नमकीन खाएगा, न खट्टा खाएगा, दूध पी करके रहेगा। फिर मिताहारी सर्व त्यागी और योग परायण रहे, मतलब जो मिताहार करता हो, सभी चीजों का त्याग करने वाला हो और योग परायण हो, इसको एक वर्ष या उससे अधिक समय में सिद्धि हो सकती है। भोजन कैसा खाना है, सुखद स्निग्ध मधुर आहार, चौथाई पेट खाली रहे, भोजन से पूर्व इष्ट देव को निवेदन करना। तो ये सारे योगी के जो चर्या बताए गए हैं वो हट प्रदीपिका से कॉपी पेस्ट है, तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी इसमें पंच महामुद्राओं की बात की गई है, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उडयानम, जालंधरम, मूल बंध च, यो वेति स योगी मुक्ति भाजनम। तो जो पंच मुद्राएं बताई गई हैं, महामुद्रा, नभो मुद्रा और तीन बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, उडयान बंध, इनसे जो है आपको मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो बोला गया है कि इनसे क्या प्राप्त होगा, आपका मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये पंच मुद्राओं की यहाँ पे बात बता रहा है। पंच मुद्राओं का जो आपका टेक्निक है लगभग सेम है, जो हट प्रदीपिका में बताया गया है वही महामुद्रा का भी है, नभो मुद्रा का, जो आपका घेरण संहिता में बताया गया कि जीभ को लग पलट करके तालु से लगा देना, वो नभो मुद्रा है, यानी खेचरी समझ लीजिए एक तरह से, खेचरी का इनिशियल प्रैक्टिस नभो मुद्रा होता है। बाकी उडयान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध आपको पता है, इन पांचों से क्या होता है, साधक मुक्ति का भाजक बनता है, मतलब मुक्ति को प्राप्त करने वाला हो जाता है। आई थिंक आज इतना ही रखते हैं, कल हम आगे प्रणवाभ्यास को समझेंगे। ठीक है जी? क्लियर है? तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो शुरुआत में जी हमने पढ़ा गुरु को नमस्कार करता है, उसके बाद जो है योग का फल आता है,
योग के फल के बाद जो है बेसिकली मन को संयम करने की बात करते हैं, उसके बाद योग के 6 अंगों की बात करते हैं, फिर आसन को डिफाइंड करते हैं, आसन को डिफाइंड करने के बाद शरीर के में ज्ञातव्य 29 तत्वों की चर्चा करते हैं, उसके बाद जो है आपके 10 प्राण की चर्चा करते हैं, 16 आधार की चर्चा करते हैं, 5 आपके आकाश की चर्चा करते हैं, 2 लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, 10 नाड़ियों की बात करते हैं जो कि कंध से निकला है, कंध का स्थान बताते हैं, और उसके बाद जो है आपका वह शक्ति चालनी की चर्चा करते हैं, और फिर 5 महामुद्राओं की चर्चा करके जो कि मुक्ति के लिए बहुत जरूरी है, इतना हमने आज पढ़ा, और आगे जो है प्राणायाम हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम कल पढ़ेंगे। प्रणाम सर, प्रणाम चलिए सभी को प्रणाम, सर, सभी को प्रणाम नमस्ते। सर, है ना, प्रणाम सर।